जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, लाडो लाडलियों। आज आपके सामने हमारी एकेडमी का वो बच्चा खड़ा है जो एसएससी जीडी की जो लिस्ट आई अभी फिजिकल की और फाइनल लिस्ट आएगी उसमें भी जिसका नाम रहेगा 101% वो बच्चा खड़ा है। जितने भी मेरे एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं लाडले, उन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन या मोटिवेशनल मान सकते हो कि किस प्रकार से इस बच्चे ने तैयारी की थी। और अभी मैं आपको बता दूं सबसे खास बात कि इस बच्चे के 85 नंबर है एसएससी जीडी में। इसके अलावा भी और भी कई पेपर फाइट किए हैं लेकिन स्पेशली एसएससी जीडी में इस बच्चे के 85 नंबर है। इसने कैसे तैयारी की थी इसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। आज जिसने अभी तैयारी की है, दो बंदे खड़े हैं आपके सामने, दोनों के ही बराबर नंबर है, ठीक है। इसके भी 85 है, मेरे भी 85 थे, लेकिन जो मेरे नंबर थे वो 2015 वाली भर्ती में थे। 2015 वाली भर्ती में कुछ चेंजिंग है हम दोनों में, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। गुरु और चेला दोनों साथ में। मेरे एसएससी जीडी 2015 में 85 नंबर थे जैसे मैंने आपको बताया था, प्लस होके मेरे 84 से फिर प्लस होके 87 चले गए थे, यानी इससे मैं 2 नंबर थोड़ा आगे हो गया था, ठीक है। अब इससे परिचय लेते हैं। और इसने पेपर फाइट किया था 2021 जो अभी ये भर्ती चल रही है जिसका फिजिकल का रिजल्ट, ये कौन सा रिजल्ट है बेटा? नहीं, फिजिकल पास करने वाला है, कौन सा ये मेन रिजल्ट है ये? अच्छा, पहले तो अपना परिचय बता दो भाई सभी को। मेरा नाम प्रदीप विजयनी है, मैं यहीं पास में 100 किलोमीटर के दूर चूरू जिले के राजस्थान में बिदासर से रहने वाला, ठीक है। और मैंने तैयारी यहाँ पे कमांडो एकेडमी के एप्लीकेशन से मैंने तैयारी की और आगे एक मैं दो लाइनों से अपनी वाणी को स्टार्ट करूंगा। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर क्या आसान या क्या मुश्किल, बस ठान लिया सो ठान लिया। भाई लाइन देखा, इसमें भी जोश आ गया है। मेरे को पहले बोला सर मैं लाइन तो बोलूंगा क्योंकि हर रोज सोचता है और उसके बाद में भी रुका नहीं है। इसके बारे में भी बताऊंगा अभी, स्पेशली उन एग्जाम की चर्चा नहीं करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे आज शाम का जो हमारा फंक्शन होगा उसमें। अभी नॉर्मली आप सभी के लिए एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। इसके बाद में भी एक बात मैं बता दूं, इस बच्चे ने पिछले एक साल में लगभग 10 से 12 या 13 पेपर फाइट किए, अभी भी लगा हुआ रात दिन मेहनत के लिए, ठीक है। अब पहले तो ये बता दूं आपको कि एसएससी जीडी 2021 वाले में इसके कौन से पार्ट में कितने नंबर आए, पहले वो डिटेल दे देता हूं मैं, फिर उसके बाद में इससे पूछेंगे कि कैसे इसने तैयारी की, तैयारी करते समय इसकी मनोस्थिति क्या थी, किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। जितने भी जो छोटे बच्चे अभी हमको देख रहे हैं जो पहली बार एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दूं एसएससी जीडी का पेपर इसने भी पहली बार दिया था और उसी में 85 नंबर यानी 85 नंबर। बहुत सारे जो राजस्थान यूपी हरियाणा के जो बच्चे होते हैं ना वो बोलते हैं सर इतने नंबर आ सकते हैं क्या? कितने दिन तैयारी की थी? लगभग 4 से 5 महीने की, 3 महीने मैंने मेरा बैच चालू था, ऑनलाइन बैच लिया था मैंने और उसके बाद 2-3 महीने में इधर आ गया था। ये शुरुआत में ऑनलाइन क्लासे एप्लीकेशन कमांडो एकेडमी एप्लीकेशन से पढ़ाया, उसके बाद में जितने भी हमारे पास में 2021 वाली वैकेंसी में जितने भी बच्चे जो पास हुए थे सभी कमांडो एकेडमी एप्लीकेशन के माध्यम से ही यहाँ आए थे, ठीक है। एसएसजीडी का पूरा बेच, क्योंकि उस समय हमारा केवल एक एजुकेशन का चैनल था, आज तो हमारे 5-6 चैनल है अलग अलग, उस समय केवल एक ही चैनल था कमांडो एकेडमी और वो ओनली एजुकेशन का था। तो जो बच्चे थे वो क्लासे ले लेके आए थे हमारे पास में। अब पहले बताऊं कौन से सब्जेक्ट में, ये इसके रोल नंबर भी अगर कोई चेक करना चाहे कर सकता है। प्रदीप बिजानिया ओरिजिनल नेम है, ठीक है, यानी जो डॉक्यूमेंट्स में नाम है वैसे प्रदीप चौधरी लगाता है। अब मैं आपको बताता हूं, अब भी जाके चेक कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मैथ्स, कितने नंबर है बेटे? 25 नंबर। और हमेशा मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, अगर एसएससी जीडी में सिलेक्शन चाहिए तो मैथ रीजनिंग में पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अभी मैं इससे और कुछ चीजें पूछने वाला हूं जो आपके काम की है। रीजनिंग में कितने नंबर आए बेटे? 22 नंबर आए। इसमें 3 नंबर किसके कटेंगे वो भी पूछूंगा। इसके अलावा जीके जीएस में कितने? 15 नंबर, 15। और हिंदी में 23 नंबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप सभी को पता है एसएससी जीडी में मैथ और रीजनिंग, जिस बच्चे की मैथ और रीजनिंग अच्छी होगी वो एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले लेगा। अब ये बातें मैं तो बोलता ही हूं, अभी इसके मुंह से प्रूफ कराऊंगा। इसमें तो इसके 25 नंबर है तो पूछने की जरूरत नहीं है। वैसे मैथ की तैयारी कहाँ से की थी बेटे ये बता। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मतलब सबसे पहले मैंने एक एप्लीकेशन, मैं यूट्यूब चला रहा, मैं एकदम सीरियसली आपसे बात करता हूँ, मैं यूट्यूब पे देख रहा था कमांडो एकेडमी के लाइव, ये इनके सर डालते थे कभी कभी नहीं, सब देखते हैं वो क्लासे तो
वीडियो डालते थे उसके बारे में, फिर मैंने खोजा मैं कि कहीं ये एकेडमी मिल जाए अपने को, तो अपन वहां ऑफलाइन चले जाते हैं। फिर इस टाइम ये एकेडमी अपने खुली नहीं थी, तो मैंने उचित समझा कि मैं ऑनलाइन बैच लेके अपना सिलेबस कर लूं। उसमें हमारा पहला बैच था एसएससी जीडी का, तो मैं सर के वो बैच स्टार्ट किया ही था सर, तब मैंने तुरंत इनरोल कर लिया था बैच के अंदर, और मैंने 3 महीने तक वो बैच चला था लमसम, 15 जुलाई से पहले स्टार्ट था बैच ऑनलाइन। ये ऑनलाइन की बात कर रहा है, जिसमें तीन महीने इसने ऑनलाइन एप्लीकेशन से पढ़ी थी, पढ़ाई की थी, उस समय एकेडमी ओपन नहीं हुई थी। एकेडमी ओपन नहीं थी, फिर एकेडमी ओपन होते ही सर से मैं कांटेक्ट में धीरे धीरे होने लग गया था, तो मैंने पूछा सर एकेडमी ओपन हुई थी, तब मैं तुरंत पहले दूसरे बंदों में मेरा एडमिशन था इधर। 15 जुलाई को एकेडमी ओपन हुई थी, 30 जुलाई का इसका एडमिशन है, 30 जुलाई के आसपास मेरा एडमिशन है। इतने में मेरे क्या हुआ कि मेरा जो भी मेरे बेस था, जो मेरा सारा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, सारा पार्ट मैथ्स के कंसेप्ट मेरे कंसेप्चुअली क्लियर हो चुके थे हर तरीके से। फिर मैं आया वापस इधर एकेडमी ऑफलाइन, जब मेरी क्लासेस चल रही थी, तो क्लासेस चल रही स्टार्ट की थी सर ने, विराट सर ने, और हमारे 50-60 बच्चों का बैच बना था, उसमें हमने बैच तो 100 बच्चों के करीब था, 50-51 लोगों ने, 51 हमारे टोटल तो 67 बच्चे थे जो पेपर देने वाले थे, उनमें से 16 बच्चों का कैंसिल हो गया था। मतलब जो यूपी बिहार में आपने देखा होगा पिछली बार कहीं के एडमिट कार्ड खराब हो गए थे वो सिग्नेचर के कारण, अब 51 बच्चों ने पेपर दिया जिसमें से 40 बच्चे पास है, उनमें से 40 में अब बारी बारी आपके पास में हर रोज स्वागत करेंगे। मेरा ऐसा विचार था कि मैं जिस दिन इनकी फाइनल सिलेक्शन होगा उसी दिन एक साथ स्वागत करूंगा, लेकिन अब इसलिए ये बच्चा अभी मेरे पास में है, आगे अभी तैयारी भी कर रहा है। अभी किसकी तैयारी कर रहे बेटा? सीजीएल की कर रहा है, लेकिन अभी ये तैयारी कर रहा है। मैंने कहा आपके कुछ ना कुछ आप में ऊर्जा आएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी एसएससीडी की तैयारी शुरू कर दी है इसीलिए, ठीक है। अब मैथ रीजनिंग में 3 नंबर कहां कटे थे? रीजनिंग में सर एक क्वेश्चन तो मेरे सिलेबस मिस्टेक से, अच्छा मिस्टेक हो गई आ रही थी, और एक दो क्वेश्चन में जल्दीबाजी में टाइम अब ये देखना एक बात और इसके बाद में टाइम भी था, कितने मिनट में किया था पेपर? 70 मिनट में, यानी 20 मिनट पहले पेपर कर दिया, लोगों के पास में कम पड़ रहा था, इसके पास में टाइम बचा, और फिर भी इसने जल्दीबाजी करके ये 3 नंबर यहाँ कम कर लिए थे। अब देखना 70 मिनट का टाइम कैसे आया वो भी बता दे। सर मेरी प्रैक्टिस तो इतनी बढ़िया थी, आप सबको बताना चाहूंगा कि मैं 50 में से 50 मैथ्स रीजनिंग में कर सकता था, पर मेरे क्या वो नहीं टाइमिंग तेरे 90 मिनट से 70 मिनट कैसे हुई? एक घंटे का 1.5 घंटे का पेपर तूने 70 मिनट में कैसे कर दिया? स्पीड मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, कम से कम 3 महीने 4 महीने तो मैं बहुत बुक लगाई यार सर की, जो भी वो पीडीएफ वगैरह अपन क्लास नोट्स देते हैं। अभी इनकी जब टेस्ट हुए थे ना एसएससीजीडी वालों को, मैं आपको बता दूं अभी कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल, कितने महीने हुए टोटल? 9 महीने। ये अभी डेली टेस्ट लेता है कितने बजे से कितने बजे? 2 बजे से 3 बजे तक, यानी जिन जिन बच्चों के सिलेक्शन हो रखे हैं वो सभी टेस्ट लेते हैं, उन बच्चों के जो नए आ रखे हैं, ठीक है, पेपर तैयार भी करते हैं, ये भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें ऐड करते हैं अपने हिसाब से कि सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और हर रोज आप सोचिए कि 9 महीने तक जो बच्चा पेपर देगा हर रोज टाइमिंग के साथ, इन्होंने 3 महीने दिया था, इनका 3 महीने हुआ था डेली, इन्होंने हर एक बच्चे ने लगभग 90 पेपर दिए थे, हमारा टारगेट 100 पेपर का था लेकिन 90 पेपर हर बच्चे ने दिए थे, और अब सोचो 9 महीने में हर बच्चे, ऐसा कोई दिन नहीं है अभी भी संडे को टेस्ट, संडे सारों को सर को सबसे बढ़िया है कि टारगेट था कि मेरे ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हो, पहला ही बेस था, मैं खूब, और अब तो ऐसा है कि अब तो मदद मिलने लगी है, जैसे ये जितने बच्चे ये तैयार कर लेते हैं पेपर, इनको पता है एसएससीजीडी का पेपर आप सोच सकते हो कि 85 नंबर स्कोर किया तो सब नॉलेज है, ठीक है। उसके बाद में इसने अभी एनटीपीसी कौन सा पेपर क्लियर किया? रेलवे एनटीपीसी का लेवल 2 लेवल 3 अपनी सारी लेवल क्लियर थी इस बार। अब मेहनत इतनी तगड़ी है इसकी, इसीलिए अभी ये जितने भी दिन जब तक इसकी ट्रेनिंग नहीं हो जाती शुरू, या जब तक सिलेक्शन करके वर्दी पहन के नहीं जाता वर्दी पहनने के लिए, जब तक बाकी जितने ही बच्चे हैं इनका टेस्ट लेता है, हर रोज लेता 2 से 3 बजे तक मैथ्स का टेस्ट मैं तो सर को बोल दिया मैथ्स में मेरे नंबर मैंने अच्छे मारे हैं तो मेरे को आप मौका दो 2 से 3 बजे। मतलब ये है कि 25 क्वेश्चन आएंगे डेली और संडे के दिनों का फुल टेस्ट, इसी प्रकार इनकी टाइमिंग हुई थी कम, मेरे किसी भी बच्चे ने ये नहीं बोला था कि सर हमको टाइम कम मिल रहा है, टाइम खूब था टाइम, अगर ऐसे मैच का हमारे तो 50 इतनी प्रैक्टिस कर रखी थी, आप ही करो 3-4-5-6 महीने की बात है ज्यादा से ज्यादा, ये यानी कम से कम आपको टाइमिंग से हर रोज एक टेस्ट तो
लगाना चाहिए, ऑफलाइन टेस्ट होना चाहिए, फिर अपने डाउट सॉल्व करा देते हैं, इधर सारा सिस्टम हमने अच्छे से सबने। अब देखो जीके जीएस में 15 नंबर इसके अच्छे आए हैं, 15 नंबर कम नहीं होते, ध्यान रखना। इसकी जीके ये मान के चलो जितनी मेरी उम्मीद थी उससे अच्छे नंबर आए, इसकी जीके इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी इसकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है, ठीक है। मेरे से इसके ज्यादा है इसमें, मेरे जैसे एक मेरे शायद 13 नंबर ही थे, इसके ज्यादा है मेरे से 2 नंबर जीके में। जीके क्योंकि इसके पेपर का नॉर्मल जीके था, ज्यादा हार्ड नहीं था, हार्ड थोड़ा करंट वाला था पार्ट, और तो मेन नहीं था, करंट में थोड़ा कम पड़ा था, तभी इसके 15 नंबर आ गए, नहीं तो इसके जीके की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। हिंदी में कितने नंबर आए? 23। अच्छा अब मैं आपको एक बात हमेशा बोलता हूँ, अब इससे पूछ लो, हिंदी कितने दिन में तैयार की थी? हिंदी 30 दिन में की थी। मैं तो एक बात बोलता हूँ, जिसको सही ढंग से हिंदी बोलनी आती है ना, उसके समझ लो 25 में से 20 क्वेश्चन तो उस टाइम ही हो जाते हैं। अगर मान लो साउथ साइड के बंदे हैं तो इधर 30 दिन में कंप्लीट हिंदी अपन आराम से सीख सकते हैं, इतनी लेवल की हिंदी। मतलब कि अब मुझे ये बता कि जो बच्चा अभी प्रेजेंट टाइम में हिंदी के लिए 3 घंटे पढ़ रहा है वो गलत पढ़ रहा है। है? उसको क्या बोलना चाहेगा तू? उसको बोलना चाहिए कि लास्ट महीने में अपन 30 दिन बचे तब अपने को हिंदी उठाएं। और वो भी कितना घंटा प्रति दिन? 1 घंटा मात्र। भाई ये 1 घंटा बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम तुमको बोल दिया कि जब वैकेंसी आ जाए और तुमको लगता है कि तुमको हिंदी में कुछ भी नहीं आता तो भी तुम मैक्सिमम 45 दिन के अंदर अंदर मान ले। ये तो ये बोल रहा है कि जिसको हिंदी बोलना आता है ना, ये तो बोल रहा है जिसको हिंदी बोलना आता है वो पास कर सकता है। ये चीज मैं भी मानता हूँ क्योंकि मैंने भी पास किया, तो मैं भी मानता हूँ क्योंकि हिंदी में कुछ आता ही नहीं है। क्लोज टेस्ट आते हैं जैसे रिक्त स्थान भरना वगैरह वगैरह, वो तो अपन कोई एक सेंटेंस बोल, जैसे सेंटेंस क्या है, राम केला खाती है तो खाता होगा, उसमें ये एरर आते हैं हिंदी के अंदर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक वो गद्यांश भी आता ना, हां गद्यांश आता, पर्यायवाची विलोम शब्द है, वो थोड़े चीज है जो अपने को पढ़ने लायक है। मोस्ट अपने को यहां नोट्स हम पढ़े थे, हमने नोट्स दिए थे, हमें मोस्ट जो पर्यायवाची विलोम शब्द मुहावरे आते हैं वो हमने अच्छे से रीड कर दिए थे। बाकी कहने का मतलब ये है, कुल मिला के बात ये बात जो अभी 3 घंटे पढ़ रहे हैं उनको मैंने एक दिन पूछा था पोल क्रिएट करके, तो लगभग 50% बच्चे हिंदी को 3 घंटे या 2 घंटे देते हैं। ये सोचो अभी 9 महीने पढ़े हैं। आप तो सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अगर जीडी में अपने को सिलेक्शन लेना है, ईमानदारी से लेना है, तो अपन को मैथ्स रीजनिंग में अच्छे नंबर लाने ही पड़ेंगे। मैथ रीजनिंग की जितनी ज्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही अपने को बेनिफिशियल होगा, टाइम में अपने को कंज्यूम कर पाएंगे एग्जाम के टाइम। अभी अभी अगर सबसे ज्यादा कुछ पढ़ना, जैसे इसने स्टार्टिंग में किया था इसके, अब बेटा अपना रूटीन बता कि किस प्रकार से तेरी पढ़ाई होती थी वो बता पहले इनको। अच्छा पहले तो ये बता, एक चीज बताना भूल गए, मैथ रीजनिंग की तो देखो हमारी एकेडमी में कोई बुक हम अलाउड करते नहीं है। मैथ रीजनिंग हम जो खुद पढ़ाते हैं, नोट्स देते हैं, सीटें देते हैं, गारंटी लेते हैं उसमें से कि जो हमने सीटों में दिया उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी 100% गारंटी है। उनको अपन 10-10 बार 15-15 बार सोल्व, आप जितनी ज्यादा सोल्व करोगे उतनी यार की आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब ये बता जीके के लिए कौन सी बुक तू अच्छी मानता है? मैं सबसे पहले तो इधर अपने टीचर पढ़ाते हैं एकेडमी के, मैं इनसे यहाँ क्लास लेता, बढ़िया मेरे हैंडरिटन नोट्स बनाता, नोट्स बनाने के बाद में उनको याद करता बढ़िया से, स्टैटिक जीके हो चाहे अपना थ्योरी वाला पार्ट हो, फिर उसके बाद में लुसेंट की अपनी एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, ऑब्जेक्टिव उस पर लगा देता मैं लुसेंट से, और ऐसे करके जो नए क्वेश्चन उसमें से मतलब कि ऐड होते थे ना, ऐड होते थे, टॉपिक क्लियर होता रहता। जैसे मेरे को मान लो सिंधु घाटी सिविलाइजेशन अपने को पढ़ना था, तो सिंधु घाटी के बारे में मैं यहाँ पढ़ लिया ऑफलाइन थ्योरी वगैरह, फिर मैं अपन रिसेंट या ऑब्जेक्टिव कोई। अब बहुत सारे बच्चे जैसे मेरे से पूछ रहे सर रीजनिंग मैथ के लिए बुक कौन सी लें? देखो मैथ के लिए बुक अगर रिकमेंड करनी हो तो बहुत सारे, एक तो मेरे ख्याल से राकेश यादव की क्लास नोट्स बुक आती है वो ठीक आती है एसएसजीडी के लिए, एक ये माथुरिया की आती है, इसके अलावा एक आर एस अग्रवाल की आती है, बुकें बहुत है मैथ की, लेकिन डिपेंड देखो कोई भी जितने भी बुक बता रहा हूँ इनमें से किसी भी बुक में स्पेशली एसएससीजीडी के लिए मैटर नहीं है। एसएससीजीडी के लिए जैसे हमने तो अलग से अपना छांट रखा कि भाई एसएससीजीडी का मैटर यहाँ तक आता है, अगर अब आप गद्दे की तैयारी करोगे तो फिर पढ़ते रहो तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है उस चीज की, तो क्योंकि मैथ की तो कम से कम 100 बुक होगी। मार्केट में अपन जाएंगे तो हजारों बुक मिलेगी अपने को मैथ की एसएससीजीडी के नाम से, पर अपने को उतना पढ़ना ही नहीं है, अपने को उतना मैटर आता नहीं है, लिमिटेड चीजें पढ़नी है। जो यहाँ फैकल्टी है उन्होंने अपना सिस्टमेटिक तरीके से हर टॉपिक वाइज सेट कर रखा है। नहीं अगर आपको जैसे कोई बुक अगर चाहिए तो उसमें एक चीज ध्यान रखिए, पहले एसएससीडी का आपको सबको पता कि अंकगणित मेन पार्ट है, अंकगणित सबसे पहले तैयार करना है, क्षेत्रफल उसके जो लेवल है उसके लिए आपको क्या करना है ओल्ड पेपर देखना है। अब एसएससीजीडी 2021 के तुम सबसे पहले पेपर देख लेना, हम इनको तो टेस्ट करा रहे ना। अभी बच्चों को मैं आपको बताता हूं एकेडमी में क्या करता है, अभी एसएससीजीडी 2021 है ना, हर संडे को एक पेपर का टेस्ट होता जाएगा, जब तक
मैंने जीडी की तैयारी कर ली, बढ़िया मैंने मार्क्स लिए, मैं 85 नंबर तक ले आया। अब उसके बाद क्या हुआ कि मेरे फिजिकल था, तो फिजिकल में मेरा वेट था उस टाइम, मैं पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरी में बैठा रहता पूरे दिन, 90 किलो तक मैंने बढ़िया खाता यहाँ पे, तो दोनों टाइम डाइट लेता, खाता पीता सब कुछ करता यहाँ पे, तो उससे मेरा वेट बहुत हैवी हो गया। उस समय हम फिजिकल सीडी का समय बहुत कम बचा था, तो हम फिजिकल वर्न सर भी अगर हमें छूट दे रखी थी और हम भी करते थे, वो वेट बढ़ गया। फिर मैं अचानक से सर को बोला, मैं सर अब वेट का क्या करें, 90 किलो वेट है मेरा और फिजिकल करना है अपने को 24 मिनट में 5 किलोमीटर, तो मेरे में विश्वास तो हाँ वीडियो पंद्रह दिन का समय, 15 से 16 दिन के अंदर मैं इतना दिन में तीन तीन बार मैं ना ये करता था, क्योंकि मेरे को ये लग गया था कि अब अपने पास जॉब तो अपने हाथ में है, कहीं अपन फिजिकल की वजह से अपन आउट ना हो जाए। फाइनल मैंने मारी 23 मिनट 50 सेकंड, लिखा हुआ देखो 23 मिनट का5 किलोमीटर की टाइमिंग मैंने 22.5 मिनट में निकाली, वरना वहां मेरा उदयपुर सेंटर आया था वहीं पर भी मेरी वो टाइमिंग नहीं, पहली बार वो चांस था। सर ने फुल मोटिवेट कर दिया रोल कॉल के टाइम, तो उस टाइम हम रात को मेरे को नींद ही नहीं आई, मैं 4 बजे लगा दौड़ने के लिए और मैं 22.5 मिनट में पहली टाइमिंग मेरी, आज भी नहीं आती और उसके अगले दिन टाइमिंग भी है। हाँ, वो 25 की दी है, एक बार एक वो भी टेस्ट का वीडियो उसमें 50 मिनट पहले और हो गया था। हाँ, मेरे से पुगा पहुंचा जाता ही नहीं कभी 5 किलोमीटर में। मेरे पीछे भी रहते 2-3-4 बंदे मेरे पीछे क्या करते, पहला टारगेट मान लो कि अपन को मैथ्स रीजनिंग के कम से कम मैथ में अपन ऐसे नहीं पढ़ना कि कितने घंटे पढ़ना है क्या पढ़ना है, अपन को तो टॉपिक को कवर कर लो कि अपने को अपना सिलेबस करना है, जैसे अपन परसेंटेज एक चैप्टर है तो परसेंटेज की अपन आज 100 क्वेश्चन लगा लिए, क्लास ले ली बढ़िया उसकी 100-150 क्वेश्चन की अपन प्रैक्टिस कर ली, ऐसे आप टाइम देख के मत पढ़ो कि अपन 4 घंटे पढ़ लिए, 6 घंटे पढ़ लिए, 7 घंटे पढ़, अपन टॉपिक वाइज पढ़ो कि अपन को आज इतना टॉपिक क्लियर करना है, आज इतना टॉपिक क्लियर करना है, मैथ्स में आज ये पढ़ना है, हाँ इतने अर्थमेटिक का ही है मेन रोल, अंक गणित का भी है और वो एडवांस मेंशुरेशन और एडवांस का तो कुछ रोल ही नहीं। रीजनिंग के लिए तो सर नॉर्मल रीजनिंग आती है, अपन कॉल कर ले तो अपना हो जाएगा। हाँ लाइव क्लास ले लो, रीजनिंग एकदम नॉर्मल लेवल की आती है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे तो 2-3 नंबर कटे वो सिर्फ सिले मिस्टेक से कटे की वजह से, फिर मैं वेरी एक आदत थी कि मैं वापस चेक नहीं करता था, एग्जाम पेपर दे दिया एक बार कर लिया पेपर, मैं वापस देखता नहीं था, मैं तो सीधा सबमिट ही करता था, इतना मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया या टेस्ट लगा कर दिया। ये मैं आपको बताता हूँ, मेरे मैथ तो 60 नंबर अब मेरे ये वो मिस्टेक और कॉन्फिडेंस
मैंने भी 90 का ही सोचा, मैं रीजनिंग मैथ्स हिंदी तो अपने पूरे आ जाएंगे। ये हर एक बच्चे बाकी आपको करना एक जरूर कर लेना, आज चेक करना चाहिए अपने को। वो है मेरे मामलों के उसमें मैं ये मैंने चेक यू बार-बार क्योंकि उसमें भी था 2 घंटे का समय बस आप इतना ध्यान रखो कि यहाँ जो भी सीटें जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो मैथ्स रीजनिंग की उनके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, एक ही चीज को ज्यादा से ज्यादा। अपने आप सीख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं बताओ कि आप इतना भी नहीं करते, मतलब आपको केवल मैथ्स के 15 टॉपिक सीख 15 ये 15 या 16 के आसपास और ये तो आपको कुछ एक दो चीजें करना है, बाकी जो इतना होती है आप हर रोज मेरी क्लास में नंबर दिन मैंने गाइड किया ठीक है 90 दिन वो क्लास है 90 क्लास आपको कोई रोक नहीं सकता नहीं तो देखो सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है जीके को अपने पढ़ने के हिसाब से। मैं तो क्या जो मेरी क्लास लग जाती थी यहाँ पे फिर मैं वो नोट्स बना लेता था, मेरी एक आदत होती थी मैं सुंदर नोट्स बना तो मैं उसको बार 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 पढ़ता, जैसे एक टॉपिक लिया मेरे हिसाब से कि आज ये टॉपिक अपन पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को पहले 3-4 बार पढ़ लेता था, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव में ज्यादा से ज्यादा लगाया। आप भी ध्यान रखना कि कभी भी आपको ये ध्यान रखना हमेशा जब भी आप कोई भी तो